हाँ जी, तो सरोनिम एंड ग्रामर वाला पार्ट बच गया था, तो मैं वो थोड़ा सा आपको करवाऊंगी उससे. वो हम कंटिन्यू करवाएंगे. एंड बिफोर आई स्टार्ट दैट, मैं स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाने वाली हूँ कि हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे. आपका कोर्स कोड 138 है, उसमें देर इज रीडिंग स्किल्स. इजी नहीं है वो, ठीक है, ऑफकोर्स पूरा प्रोसेस वाइज है. ऑडिटरी स्किल्स, विजुअल डिस्क्रिमिनेशन, एवरीथिंग इज इम्प्लॉयड दैट. और उसके प्रॉपर आपको नोट्स बनाने होंगे टू अंडरस्टैंड दैट. ठीक है, मैं आपको 1 मिनट फिलहाल स्क्रीन शेयर करके दिखा देती हूँ. वो सबको दिख रहा है, रीडिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स, दिस वन. हम ये आज कॉम्प्रिहेंशन फिनिश करने के बाद ये वाला करने वाले हैं, रीडिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स. इसमें रीडिंग प्रोसेस है, मॉडर्न क्लासरूम एनवायरनमेंट के बारे में ओवरव्यू, डेवलपिंग रीडिंग स्किल्स, आप रीडिंग स्किल्स कैसे डेवलप कर सकते हैं, रीडिंग टेक्निक्स क्या क्या होती हैं, रेडिनेस, रीडिंग रेडिनेस एक्सरसाइजेस, मतलब आप अपने आप को कुछ 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 भी एक्सरसाइज या टेक्स्ट पढ़ने के लिए तैयार कैसे करें. रीडिंग प्रोसेस सबको पता है, रीड करने का प्रोसेस, स्टेज वन ऑफ द रीडिंग प्रोसेस, एलिमेंट्री रीडिंग. एलिमेंट्री रीडिंग क्या होती है, तो बेसिक वन, बेसिक लेवल पे. स्टेज टू क्या है, इंटरमीडिएट रीडिंग, एलिमेंट्री बेसिक लेवल, फिर उससे थोड़ी एडवांस होती है इंटरमीडिएट, फिर सबसे एडवांस आती है एडवांस रीडिंग. ठीक है, तो 3 लेवल्स होते हैं, एलिमेंट्री, इंटरमीडिएट एंड एडवांस. तो ये 3 स्टेजेस पढ़ेंगे हम. इसके बाद वी विल स्टडी रीडिंग थ्रू स्टोरीज एंड ओके द स्क्रीन. इसके बाद वी विल स्टडी रीडिंग थ्रू स्टोरीज एंड दैट विल बी द एंड ऑफ इट. तो हम ये वाला कवर करेंगे, बट फिलहाल वो कॉम्प्रिहेंशन वाला जो लास्ट क्लास में कर रही थी मैं, वी विल कंटिन्यू दैट.